हमारे कोच साहब हैं, चेस्ट प्रेस, चेस्ट डंबल प्रेस का फाइनल रेप करेंगे। ये रहा हमारा प्री वर्कआउट मील। आज वैसे घर में बने आलू के पराठे, बट हमारा डे वन आज से शुरू है और आज से नो चीटिंग नथिंग। हमारा 10,000 स्टेप हो चुका है, 10,500 स्टेप हो चुका है कंप्लीट। भाई साहब मौसम देखो, आज ये होता है मौसम, क्या ही मौसम है भाई। जब सुबह का 8:30 हो रहा है और मौसम, बारिश होगी आज तगड़ी, बहुत अच्छी बारिश होगी भाई। इग्नोर दिस हेयर, इग्नोर दिस बियर्ड, मैं जाऊंगा जल्दी ही इसको क्लीन कराने के लिए। आज थर्सडे, आज नहीं कल। तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, व्हाट अप, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। दिस इज़ व्लॉग नंबर आई गेस 49 और 50, जो भी होगा यहाँ दिख जाएगा। एंड आज से हम लोग कुछ ऐसा शुरू कर रहे हैं जो हम लोग पहले कर चुके हैं, बट इस बार थोड़ा ज़्यादा सीरियसली शुरू करेंगे। और आज वाले वीडियो में आपको मैं सच में बताऊंगा कि हमारे कोच साहब कौन है। हमारे कोच हैं, लास्ट में बताऊँ तो क्या शुरू होने वाला है वो बताएगी हमारी फनी दीदी। अरे 90 days of transformation and all the very best. Thank you. पता तुम बहुत अच्छा सर हो। 75 hard wave भी पहला वीडियो इसके साथ ही था, तो बने रहे वीडियो में। आपको बताते हैं हम पूरे दिन का रूटीन, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या वर्कआउट फॉलो करेंगे। हाँ एक मिनट, बस एक मिनट। आज के वीडियो का टाइटल यही है, Who is my coach? बहुत अमेजिंग आदमी है, पता चलेगा आपको, वीडियो में बने रहो। तुमको पता है आज से एक सीरीज शुरू होने वाला है, वो 75 हार्ड याद है? हाँ। तो वैसे ही अब 90 डेज हार्ड चलेगा ट्रांसफॉर्मेशन। निशांत मामू 90 डेज में पतला हो जाएगा, मोटा से पतला। ऑल द बेस्ट बोल दो। ऑल द बेस्ट, लेकिन तुम पतले से मोटे हो जाओगे। नहीं नहीं, मोटे से पतले होना है, बहुत मोटे हो गए। अरे अब ये तो पावर से कम ही मोटे हो गए। आज का वेट है 97.1। ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डाइट एंड वर्कआउट बोथ, बट आप जो जिम में एक घंटा वर्कआउट करते हो उसके अलावा 23 घंटे कितने डिसिप्लिन में रहते हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो हम लोग छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन एंड विल गेट दिस डन। ये जो अभी आ रहा है ना बैकग्राउंड, ये हॉर्न और ये सब का, सो इग्नोर करना थोड़ा सा। एंड हाँ, थोड़े स्टेप्स लेंगे, धीरे धीरे हमारी डाइट को सही करेंगे एज पर आर डाइट जो हमारे कोच ने हमें दिया, उस हिसाब से आज से चीज़ें शुरू हो रही हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड तुम्हें भी आइडिया लग जाएगा, और तुम्हें जो आइडिया लगेगा तुम उसके अकॉर्डिंग, अपने कैलरीज के अकॉर्डिंग तुम उसको प्लान कर सकते हो। एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम अगर तुम्हें शॉर्ट फॉर्म में सारे डेज की वीडियोज देखनी है तो। आज वैसे घर में बने आलू के पराठे, बट हमारा डे वन आज से शुरू है और आज से नो चीटिंग नथिंग, एंड क्लीन ईटिंग पे हम लोग फोकस करेंगे। तो ये हमारा 30 ग्राम्स ऑफ ओट्स, पानी, प्रोटीन खत्म है। प्रोटीन हम लोग आज ऑर्डर करेंगे, फिलहाल सिर्फ ओट्स और पानी, मींस सिर्फ ओट्स खाएंगे। और हेलो गाइस, हेलो। तो हमारा मील वन, बेसिकली ये मील टू होगा, आज जब पपाया था मील वन में तो वो स्किप हो गया क्योंकि घर अभी शिफ्ट हुआ है, तो अभी सामान इधर उधर है उसको ही मैनेज करने में टाइम चला जा रहा है। तो आज जाकर के मुझे फ्रूट्स वगैरह भी लाने। तो ये हमारा मील टू है, 30 ग्राम्स ऑफ ओट्स है, प्रोटीन भी था इस मील में बट प्रोटीन खत्म हो गया है, तो उसको ऑर्डर करना है, आज वो भी ऑर्डर करेंगे। एंड दिस इज द बेस्ट थिंग वी कैन हैव, हम लोग फैट लॉस कर रहे होते हैं। एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का सबसे जो खास प्रॉपर्टी है ना वो ये होता है कि आपको काफी देर तक फुल रखता है, जिससे आपको भूख नहीं लगती है। दैट्स व्हाई समटाइम्स आई टेक दिस इन माय प्री वर्कआउट एज वेल। दिस इज ऑब्वियसली नॉट टेस्टी, वी आर ईटिंग फॉर अ पर्पस, इसलिए खा रहे हैं। एंड दैट्स इट। इफ यू वांट यू कैन फॉलो मी अलोंग इन दिस वीडियो, इन दिस सीरीज एक्चुअली, दिस 90 डेज ऑफ फैट लॉस, एंड तुम्हें फायदा होगा आई गारंटी यू।
वैसे आज का वेट मैंने शूट किया है राइट, तो 97.1 है डे वन पे, 97.1 एंड वी हैव टू कट इट डाउन समवेयर अराउंड 25 केजीज फ्रॉम नाउ, तो 72 से 75 के बीच में हमारा वेट रहेगा, तो हमें 22 से 25 केजीज के आसपास में कट डाउन करना। ये होने वाला हमारा प्री वर्कआउट, ये 50 ग्राम पनीर, 30 ग्राम रॉ राइस और 100 ग्राम ऑफ योगर्ट, तो इसको हम लोग जिम से पहले डेढ़ घंटे पहले खा करके जाएंगे। ये बन रहा हमारा प्री वर्कआउट मील, जिसमें है गाजर, शिमला मिर्च और प्याज, और ये टमाटर रखा पनीर राइस, हाँ वो राइस हो गया 30 ग्राम राइस अपना पनीर एकदम सिंपल, इसमें कोई वैसा मसाला ऐसा है नहीं, बस थोड़ा सा मैगी मसाला शायद ऐड हुआ। और लोग खाएंगे और डेढ़ घंटे के बाद निकलेंगे जिम। और ये साथ में दही, तो ये रहा हमारा प्री वर्कआउट मील, अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ब्स, प्रोटीन एंड हेल्दी फैट। तो हमारा प्री वर्कआउट मील रेडी है और मील बनाया गया है हमारी माता के द्वारा, मील बनाया गया है खुद से, तो इधर थोड़ा सा आ जाऊँ, हमारी माता के द्वारा मील बनाया गया है और खुद से इतना करना पॉसिबल नहीं है भाई, बट करने की आदत डालनी पड़ेगी क्योंकि अभी कुछ दिनों में मैं कहीं जाने वाला हूँ। कहाँ जाने वाला हूँ वो छोटा सा हिंट इस ब्लॉग में चला गया है गलती से, बट कॉमेंट करके बताओ कि बताना नहीं, अभी इन लोगों के लिए सरप्राइज है, वहाँ जाकर के खुद से देखना पड़ेगा सब कुछ। तो चलो बाकी कुछ नहीं, बाकी अभी टाइम हो रहा है, देखो अभी हम लोग ऑन टाइम चल रहे हैं, 12:00, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं तुम लोगों को, 12:13, 1:45 के आसपास हम लोग निकल जाएंगे जिम। और आपको मैंने जैसा बताया कि आज हम लोग जिम अकेले नहीं जा रहे, हमारे साथ कोई और भी आज से जिम ज्वाइन कर रहे हैं और वो बताया जाएगा आपको आगे वाली वीडियो में। पता है कौन जिम ज्वाइन कर रहा है साथ में, कौन जा सकता है मेरे साथ में जिम, राहुल जा रहा है। चलो अब हम लोग खाते हैं और तुम हमें खाते देखो गाइस। नहीं भाई टेस्ट अच्छा है, मस्त मान, सेम सेम, नहीं नहीं सेम, अभी मेरे पास प्रोटीन शेक नहीं है, प्रोटीन शेक ऑर्डर किए हैं अभी, तो जब तक प्रोटीन नहीं है तो तक दिन के जिम से आने के बाद पनीर चले, वो तो है ही, वो तो रात को है, रात को हम बता देंगे क्या। आने दो, मिलता हूँ जिम में, तब तक मुझे कुछ देखना है। ये देखो भाई साहब, यहाँ देखो यही पढ़ाई चल रही है, भाई साहब आज पकड़े गए, पढ़ लो यहाँ गया था पढ़ने, पकड़ा गया बाहर बालकनी में। रेडी हो चुका हूँ मैं निकल रहा हूँ और मैं अच्छी लगी ना बॉडी, अच्छी है नहीं, एंगल का कमाल गया इस एंगल का, एंगल तो चलो जिम निकलते हैं, उठाते हैं उस बंदे को जिसके बारे में मैंने आपको बताया। बाय बाय जी, मौसम कुछ ज़्यादा ही अच्छा भाई, बहुत अच्छा मौसम है। अच्छा हाँ, तुम लोगों को तो मैंने ये भी बोल रखा ना कि आज कोच रिवील करना है, तो कोच साहब को करेंगे रिवील, अभी बने रहो, वीडियो के एंड में किया मैंने रिवील। आओ मैं ना तुम्हारा इंतजार हो रहा था, फाइनली जिम पार्टनर्स, जिम फाइनली, इसका इंतजार था, देख लो इंतजार क्या, इसका इंतजार था, वो आ गया है आपको जिसके बारे में बताया था कि एक लौंडे को उठाना है, मुझे इंतजार वो घड़ी हो गया, मेरा गाना हो गया, तो इंडिया में मिला था मुंबई से, तो बस हम लोग अब आज से जिम पार्टनर्स भी हैं। हम लोग आ गए जिम, हमारे साथ भाई आ चुका है, तो लेट्स स्टार्ट द वर्कआउट, स्ट्रेचिंग हो गया हमारा, स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है अगर तुम इंजरी से बचना चाहते हो, तो लेट्स स्टार्ट द वर्कआउट। एक और चीज़ है कि हम लोग जो स्प्लिट फॉलो करने वाले हैं वो है पुश पुल लेग्स, एंड आज हमारा पुश, काबिले तारीफ जो ये कर रहे हैं क्योंकि जब ये पिछले साल आए थे तो 2.5 kg के डंबल से वर्कआउट किया था हमको याद है यार, मैं अरे 9 महीने वाला वीडियो, आप इनके वीडियो में जा सकते हैं मैन, प्रूफ रक्षाबंधन, हाँ रक्षाबंधन वाले पे जाओ, सेम टी शर्ट बस इसका जगह खाली था, बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है अभी भी। और अब जो हम लोग करने वाले हैं 90 डेज में वो और ज्यादा मजेदार होगा, क्यों भाई 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन, 90 डेज तुम भी कर रहे हो, 90 दिन, ओके मैन, 90 दिन 9 महीने, 9 महीने बचा रेडी, 90 दिन बॉडी रेडी,
ठीक है। नहीं नहीं आज बताना है ना, कोच साहब का नाम आज रिवील होगा। कोच साहब का नाम आज बता दें अभी कि लास्ट में वॉक के टाइम पे बताया जाएगा। वॉक के टाइम पे बताते हैं। सो अभी हम लोग चेस्ट प्रेस, चेस्ट डंबल प्रेस का फाइनल रेप करेंगे। yeah. 15 केजी के साथ। लाइट वेट मैन। देखो वर्कआउट का जो एक्सटेंशन है या जो भी छूटा हुआ पार्ट है वो मिलेगा आपको इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का नाम यहाँ कहीं होगा, यहाँ नहीं होगा तो इंस्टाग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, तो जा करके रील फॉर्मेट वाली वीडियो को भी देखो। नाउ वी विल डू डिक्लाइन क्रॉसओवर्स, केबल क्रॉसओवर्स एंड जस्ट लाइक खाओ पियो डिक्लाइन करो मित्र। थोड़ा आगे सच बता रहा हूँ, अभी तक जब से मैं इस जिम में आ रहा हूँ करेंटली, पर इधर देख के बात करना, बार बार मैं खुद भूल जाता, मैं इसको ज्ञान देता हूँ मैं खुद भूल जाता। देखो जब से मैं इस जिम में आ रहा हूँ तब से भी आ रहा हूँ, पहला वर्कआउट ऐसा जो बहुत ज़्यादा प्यारा हुआ है, बहुत ज़्यादा। बस इसके बाद खाना खा कर और रेस्ट करना है, मज़ा आएगा। सिर्फ शोल्डर पे असर पड़ेगा। कान बचा के ट्राइसेप मारा जा रहा है। सूट नगाने ही कर नगा। वर्कआउट हो गया अपना खत्म और अब निकल रहे हम लोग घर। भूख लग रही भाई, आज का वर्कआउट बहुत प्यारा, ये देख रहे हो हालत। और वो निकल रहे घर एंड अब हम लोग मिलेंगे आपसे शाम को, हम लोग को जाना है वॉक पे। विल ट्राई टू टच 10,000 स्टेप्स और हो गया तो इट्स गुड। हमारा टारगेट आज का यही होना चाहिए भाई। देखो भाई ये रहेगा हमारा आज का थंबनेल। तो हम लोग जिम से आ गए थे, टेक के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर लिया बिकॉज अभी लाइटिंग अच्छी आ रही है आप देख सकते हो। और अभी फटाफट से मेरा मन था नहाने का बट मैं बिना नहाए अभी पहले जा करके और अपना पोस्ट वर्कआउट मील लूंगा। वो सेम ही मील है जो मैं खा करके गया था, सेम डिट्टो मील। एंड ओके नोटिफिकेशन आया है प्रोटीन की शिपमेंट हो गई है, जल्दी ही प्रोटीन भी आ जाएगा। आई हैव माय पोस्ट वर्कआउट, फिर मैं थोड़ा सा फ्रेश होऊंगा एंड आई एडिट माय टेक वीडियो एंड ये है हमारा नीचे नहीं गिरा। ये है हमारा पोस्ट वर्कआउट मील, ये 45 ग्राम्स ऑफ रॉ राइस, ये भी अराउंड 60 ग्राम के आसपास पनीर है, दाल दही दस सेटअप। अब मैं खाऊंगा एंड मिलूंगा आपसे डायरेक्ट वॉक पे क्योंकि आज हम लोग को 10,000 स्टेप भी कंप्लीट करना है। मैन और 10,000 स्टेप के लिए तैयार हो? क्या बोल रहे थे? देखो अभी हम लोग फिलहाल बैठ के बात कर रहे हैं और अभी 10,000 स्टेप पूरा करना है और रिवील करना है हमारे कोच साहब का नाम। तो भाई हो जाएगा आज, आज रिवील होगा, उस दिन नहीं हुआ था क्योंकि भाई ज़ेब्रा क्रॉसिंग में ज़ेब्रा क्रॉसिंग में चल जाओ मेरे पार हो जाओ। तो ये यहाँ बैठेंगे हम लोग थोड़ा देर, थोड़ा मतलब अरे बोधी ट्री जैसा लग रहा है दूर से देख के, बोधी ट्री जैसा। हमारा 10,000 स्टेप हो चुका है, 10,500 स्टेप हो चुका है कंप्लीट एंड नाउ वी आर गोइंग टू होम। लेकिन उससे पहले जिस चीज का आप लोग सब वेट कर रहे हैं उसको रिवील करने का टाइम आ गया, हमारे कोच साहब। तो हमारे कोच साहब हैं शिवम भैया शिवम दुबे, योर फिटनेस स्टोरीज आप सब जानते होंगे, इज वन ऑफ द बिगेस्ट फिटनेस यूट्यूबर इन इंडिया एंड भैया ने अभी BMW लिया है। कांग्रेचुलेशंस भैया अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं एंड बस बने रहो गाइस। और 10,000 बहुत आसान नहीं लग रहा है क्या? 10,000 स्टेप्स, हाँ 10,000 स्टेप थोड़ा सा आसान हो गया तो हम लोग कल से 12,500 तक करेंगे। हम लोग कल से 12,500 करेंगे एंड हम लोग कोशिश करेंगे हम लोग इस चीज को लेकर अकाउंटेबल रहे आपके साथ एंड मिलता हूँ घर पे। नमस्ते। हाँ सुनो भाई का चैनल डिस्क्रिप्शन में, अरे वहीं पर आता है। इंस्टा हम दोनों का डिस्क्रिप्शन में एंड
मजे करो। नया पेज शुरू किया है, पपीता और नारंगी दे दीजिए एक छोटा, देखिए बारह जो खराब ना हो वही दे दीजिए। हाँ ठीक है दे दीजिए। ये हमारा फल है जिसको हम खाएगा, जिसको अपन खाएगा। आ गए दीदी के पास, चलो बोलो बोल जाओ बे। कोई है कि नहीं भाई? सो डे वन हमारा कंप्लीट होता है इसके साथ। अभी आपने देखा हमने वॉक कंप्लीट किया, इट वाज अराउंड 10,500 स्टेप। और डिनर के बाद मैं शायद 15-20 मिनट और करूं तो थोड़े और स्टेप्स ऐड हो जाएंगे, बट मैं वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूं। एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस होल प्रोसेस, मेरा डाइट, मेरा वर्कआउट। एंड रोज मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाने के लिए कि मैं क्या कर रहा हूं। एंड डेली व्लॉग्स ही चलेंगे, डेली व्लॉग में मेरा पूरे दिन में एक अपडेट रहा करेगा मेरे ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के। और इंस्टाग्राम पे इसको रील के फॉर्मेट में मैं डाल रहा हूं। एंड या बेसिकली इस ट्रांसफॉर्मेशन को मैं नाम दे देना चाहता हूँ, एंड इस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम होगा प्रोजेक्ट 90। सो प्रोजेक्ट 90 का जो रील फॉर्मेट होगा वो आपको इंस्टाग्राम पे दिखेगा। एंड जो फुल वर्जन है, दिन में मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे रह रहा हूँ, उस 30 सेकंड के अलावा जो मेरे दिन के कुछ स्पेशल मोमेंट्स और जो मेरे दिन का रूटीन है वो आपको यहाँ दिखेगा मेरे चैनल पे। दैट्स इट। एंड सो टिल नेक्स्ट वीडियो, टाटा, सी यू, बाय बाय, इंजॉय करो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। पानी पीना मत भूलना, पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत।